और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर विवादित बयान, आरजेडी विधायक अजय यादव का बयान आया है। अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी, ये उनका बयान है। भीड़ जुटाकर ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी, अजय ने ये कहा कि अजय यादव आरजेडी के विधायक हैं। धमाके के बाद, ब्लास्ट के बाद बोलेंगे पाक आतंकियों ने ये सब किया, और ये हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बड़ी खबर ये, गया जिले के अतरी से एमएलए हैं अजय यादव, आरजेडी के विधायक हैं अजय यादव, वो कह रहे हैं बीजेपी अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और वो ये भी कहते हैं कि ब्लास्ट के बाद कहा जाएगा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने ये धमाका किया है। ये बड़ा बयान, और बीजेपी को निशाने पर लिया है यहाँ पर अजय यादव ने, ये कहते हुए कि भीड़ जुटाकर ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी। बीजेपी को घेरने के चक्कर में वो बड़ा विवादित बयान दे गए हैं। डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया, ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। विधायक है आरजेडी के अजय यादव, गया जिले से विधायक हैं, और आपने उनका विवादित बयान देखा और सुना, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी धमाका करा सकती है, बाद में कहेंगे कि ये पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, धमाका करा सकते हैं। ये विवादित बयान आरजेडी विधायक अजय यादव का, और ये बड़ा विवादित बयान, इस पर विवाद बढ़ने की पूरी आशंका है। तो देखिए, 22 तारीख को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश में हो रहा है, और इस बीच में इस तरह का बयान, अब इसको लेकर किस तरीके से रिएक्शन सामने आते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर।